आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नरेंद्र मोदी दूसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मोदी और उनके मंत्रिमंडल का शपथ समारोह 30 मई को। लोकसभा चुनाव के नतीजे से बिगड़ी लालू यादव की सेहत, सदमे में, न खा पा रहे हैं न सो पा रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। स्मृति ईरानी ने दिया कार्यकर्ता की अर्थी को कंधा। कमलनाथ को छोड़ना पड़ेगी पीसीसी चीफ की कुर्सी। कमलनाथ ने कहा मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं। और मुठभेड़ में हार्डकोर नक्सली गुड्डी मारा गया। 40 मामलों में थी पुलिस को गुड्डी की तलाश। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। भाजपा को 303 सीटें मिली हैं, जबकि एनडीए के साथ मिलकर आंकड़ा 353 तक पहुंच गया है। शनिवार को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिस पर राष्ट्रपति ने उन्हें पदनामित प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा। इससे पहले एनडीए के प्रतिनिधि मंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का पत्र राष्ट्रपति को सौंपा था। इसके अलावा एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति द्वारा नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का पत्र सौंपे जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने उन्हें प्रचंड जनादेश दिया है। जनादेश के साथ लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार आपकी अपेक्षाओं पूरी करेगी। सरकार अब अपना काम तेज गति से बढ़ाएगी। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव सदमे में आ गए हैं, जिससे उनकी सेहत और खराब हो गई है। डॉक्टर के मुताबिक खाना ना खाने से सो ना पाने की वजह से लालू की हालत खराब हो रही है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू यादव सदमे में आ गए हैं। इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। पटना रिम्स के डॉक्टरों के मुताबिक 3 दिन से लालू ना तो सो रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से लालू शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर उमेश प्रसाद के मुताबिक लालू सुबह का नाश्ता जैसे तैसे खा रहे हैं, लेकिन दोपहर का खाना तो बिल्कुल छोड़ दिया है। इस कारण उन्हें इंसुलिन देने में परेशानी हो रही है और इलाज कर रहे डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टरों के साथ ही परिवार के लोग लालू को समझाने में लगे हुए हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सेहत को देखते हुए समय से खाना और दवा जरूरी है। यदि समय से खाना नहीं खाएंगे तो दवा नहीं दी जाएगी। डॉक्टर प्रसाद के मुताबिक तनाव का असर ब्लड प्रेशर व शुगर पर पड़ सकता है। अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुरेंद्र सिंह के बेटे अभय ने आरोप लगाया है कि इलाके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके पिता की हत्या करवाई है। उधर अमेठी से सांसद बनी स्मृति ईरानी मृतक सुरेंद्र सिंह के शोक में डूबे परिवार से मिलने लखनऊ पहुंची और उन्होंने अंतिम यात्रा में सुरेंद्र सिंह के शव को कंधा भी दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरेंद्र सिंह रात को अपने घर के बाहर सो रहे थे, इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। सुरेंद्र सिंह के बेटे अभय ने रविवार को इस घटना के बारे में मीडिया से कहा, मेरे पिता घर के बाहर थे और हम लोग अंदर थे। अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आई। हम बाहर दौड़कर आए और देखा कि उनके सिर से काफी खून बह रहा है। हम लोग उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। इस बीच अमेठी की नई सांसद स्मृति ईरानी मृतक सुरेंद्र के घर शोक में डूबे परिवार से मिलने पहुंची और उन्होंने अंतिम यात्रा में सुरेंद्र सिंह के शव को कंधा भी दिया। स्मृति ईरानी ने इस हत्याकांड को लेकर अधिकारियों से तत्काल कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, ताकि फिर कहीं ऐसी घटना ना हो। अभय ने आगे कहा,
हमने हमलावरों को तो नहीं देखा, लेकिन इतना साफ है कि इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है। मेरे पिताजी ने काफी सक्रियता से स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया था और इस बूथ से बीजेपी को अच्छे वोट भी मिले थे। अभय ने कहा कि मेरे पिता स्मृति ईरानी के प्रचार में 2400 घंटे लगे रहते थे। स्मृति ईरानी की जीत के बाद उन्होंने विजय यात्रा भी निकाली थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह बात पसंद नहीं आई। हमें कुछ लोगों पर संदेह है। एमपी की कमलनाथ कैबिनेट में रूटीन काम के अलावा ताजा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई, जहां कमलनाथ ने मंत्रियों से साफ कहा कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सब लोग पूरी ताकत से कांग्रेस और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार पर अब संकट के बादल घिर रहे हैं। कमलनाथ को पार्टी भीतर और बाहर दोनों जगह से चुनौतियां मिलने वाली हैं। ऐसे में मंत्री बनने का ख्वाब सजाए बैठे विधायक एक अलग किस्म की मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जब कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई तो सामान्य कामकाज के अलावा सरकार पर संकट की बात भी हुई। सबसे पहले किसान कर्ज माफी से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने पर बात हुई और इसके प्रचार प्रसार पर भी फोकस किए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कमलनाथ ने सभी मंत्रियों से साफ कहा कहीं कोई संकट की बात नहीं है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी हमारी जो योजना है उसको लेकर चर्चा की, समीक्षा की, विभागवार समीक्षा की, प्लानिंग की। आने वाले समय में पूरी ताकत से जो हमारी वचन पत्र की घोषणा है उनको पूरा कैसे करें उस पर बात की, और साथ ही साथ जो जनादेश मिला उसमें नेशनल परसेप्शन मुद्दों पर किस तरीके से रिएक्शन, पब्लिक का किस तरीके से विचार बना और उसका रिजल्ट आया, इस पर सब मंत्रियों ने अपनी राय दी पूरे मध्य प्रदेश को लेके। और मैं समझता हूँ कि सकारात्मकता से, दृढ़ता से एकजुट होकर आने वाले समय में कांग्रेस का विचार, हमारी योजनाएं, हमारी नीतियां गरीब की, किसान की, और खासकर जो हमारी मूल ऋण माफी की योजना उसको लेकर किस तरीके से जल्दी से जनता के और किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए उसको पूर्णता लाए, इन सब मुद्दों पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई, पॉजिटिव चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। ये ज़रूर है कि हमने चार मरतबा हाउस में अपना बहुमत साबित किया, अब जब ज़रूरत पड़ेगी फिर हम बहुमत साबित कर देंगे। हमारे पास बहुमत था, हमारे पास बहुमत है, हमारा बहुमत रहेगा और हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की छाती पे से मुंह डलते रहे। यार चार, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो भी तो सुनो कि चार मरतबा हम अपना बहुमत हाउस में साबित कर सके, अध्यक्ष के चुनाव में, उपाध्यक्ष के चुनाव में, और बजट पास जब हुआ तो उस वक्त हम अपना बहुमत साबित कर चुके हैं। अब कितने और जनता ने हमें बड़ी पार्टी बना के भेजा है, कितनी मरतबा और भाव साबित करेंगे। बैठक के बाद सभी मंत्रियों को कहा गया कि बाहर ये मैसेज जाए कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और हर टेस्ट के लिए सरकार तैयार है। सरकार की मंशा के अनुरूप मंत्रियों के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ कांग्रेस के भीतर अब राजनीति तेज हो रही है। एक तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ को मुक्त किया जाएगा ताकि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जा सके। कमलनाथ ने भी पार्टी को इसके लिए रजामंदी दे दी है। बहुत मंत्रिमंडल की बैठक थी, बहुत दिनों बाद मिल रहे थे सबसे, मैंने कभी नहीं बात करी वो तो उन्होंने अध्यक्ष पद की बात करी है, जो मैंने विधानसभा के बाद कहा था कि कोई दूसरे को अपॉइंट कर लिया जाए कि मेरे ऊपर बोझ बहुत है, उन्होंने ऐसी बात करी नहीं। क्या बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमलनाथ को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। एआईसीसी में इसके लिए उच्च स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। नए अध्यक्ष के लिए करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम की चर्चा हुई है, जिसमें कुछ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन आला कांग्रेस नेताओं ने तय किया है कि नया अध्यक्ष सहज और आम आदमी की छवि वाला हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अब बड़े बदलाव के संकेत हैं। एआईसीसी का मानना है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद संगठन मजबूत होने के बजाय कमजोर हुआ है और ये कमजोरी लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ नजर आती है। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के टिकट वितरण को भी पार्टी हाईकमान ने ठीक नहीं माना है। राहुल गांधी ने तो नेताओं के बच्चों को टिकट देने पर भी आपत्ति की। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं कमलनाथ ने बयान जारी कर इस तरह की खबरों को भ्रमक
बताया है और कहा कि अभी तक उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। इससे जाहिर है मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो तो उन्होंने अध्यक्ष पद की बात करी है, जो मैंने विधानसभा के बाद कहा था कि कोई दूसरे को अपॉइंट कर लिया जाए, कि मेरे ऊपर बोझ बहुत है। उन्होंने ऐसी बात करी नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित रहे, इसे लेकर कांग्रेस नेता अचंभित हैं। नेताओं के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफों की पेशकश के बीच मध्य प्रदेश में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के स्थान पर नए नेता की नियुक्ति को राहुल गांधी ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की दोहरी भूमिका में से प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष पद पर अपने विश्वस्त नेता को बैठाकर सत्ता व संगठन दोनों का नियंत्रण अपने पास रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सीट पर प्रदेश के दूसरे खेमों ने भी कवायद शुरू कर दी। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हो रही थी और इसी में कुख्यात नक्सली गुड्डी मारा गया। गुड्डी का मारा जाना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। गुड्डी भीमा मंडावी की हत्या में भी शामिल था। किरंदूर इलाके में नक्सलियों और पुलिस के डीआरजी जवानों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। यहां मलंगीर पल ओएस सदस्य हार्डकोर नक्सली गुड्डी मुठभेड़ में मारा गया। गुड्डी की मौत हिरोली के जंगलों में हुई। गुड्डी का शव हुआ बरामद कर उसके पास से एक 9mm पिस्टल भी बरामद हुई है। गुड्डी 40 से अधिक नक्सल प्रकरणों में नामजद आरोपी था। गुड्डी विधायक भीमा मंडावी के हत्या के मामले में भी शामिल था। छतरपुर के सौरा गांव के पास ओरछा राम राजा मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की मारुति वैन की तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ंत होने के कारण एक महिला समेत दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। मारुति वैन में सवार करीब एक दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हलालपुर थाना के सौरा गांव के पास ओरछा राम राजा मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की मारुति वैन को एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला सहित दो मासूम बच्चों की मौके पर मौत हो गई। वहीं मारुति वैन में सवार करीब एक दर्जन श्रद्धालुओं में 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात पालपुर निवासी बबलू रेखवार का परिवार के साथ ओरछा रामराजा मंदिर से दर्शन कर मारुति वैन से घर लौट रहा था। तभी हरपालपुर नौगांव रोड पर सौरा तिराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मारुति वैन में सवार महिला देवकुंवर मोनू व सचिन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए एक युवक और उसकी सहयोगी महिला को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध कर पीटा। छोटा बेटमा में रहने वाले किसान के यहाँ ये चोरी की नियत से घुसे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर जमकर पीटा और पेड़ से बांध दिया। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बेटमा क्षेत्र के छोटा बेटमा में गांव वालों ने इंदौर के एक युवक और खुद को युवक की मां बताने वाली महिला को पेड़ से बांध कर पीटा। ग्रामीणों को शंका थी कि वे चोरी की नियत से गांव में घुसे हैं। पिटाई के बाद दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया और इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। उधर जांच के बाद बेटमा पुलिस ने देर रात गांव की एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपी युवक का नाम आसिफ शेख है, जबकि महिला अमीना बी पति महबूबा है। पुलिस के अनुसार रात 2 बजे गांव के रशीद खान के घर 2 लोग घुसे थे। आवाज सुन रशीद की नींद खुल गई और उसने एक चोर को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भाग गया।
पकड़ाए युवक ने फोन लगाकर किसी को बुलाया। इसके बाद महिला पहुंची तो उसे भी पकड़ लिया गया। अमीना बी का आरोप है कि हम दोनों के साथ जमकर मारपीट की गई, फिर पेड़ से बांध कर भी मारा गया। सिवनी में मांस लेकर जा रहे लोगों की गौरक्षकों ने बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की। उसके बाद महिला को उसके साथी से ही चप्पलों से पिटवाया और जय श्री राम के नारे लगवाए। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हिंदू संगठन की गुंडागर्दी का यह वीडियो मध्य प्रदेश के सिवनी से सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति की गलती ये है कि उसने अपने दो साथियों जिसमें एक महिला थी के साथ मांस लेकर कहीं जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही कुछ लोग जो खुद को गौर रक्षक बता रहे थे मौके पर पहुंचकर बेरहमी से मांस ले जा रहे लोगों की पिटाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनके साथ जा रही महिला को इस व्यक्ति से चप्पल से पिटवाया जाता है और जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह घटना डुंगा सिवनी थाने से कुछ दूर पर मंडला मार्ग की है। मारपीट करने वालों को शक था कि उक्त लोग अपने साथ गौमांस ले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो की शिकायत मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व डीजीपी तक पहुंची है। डुंगा सिवनी थाना प्रभारी जीएस उइके ने बताया कि आरोपियों से मारपीट कर इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले डुंगा सिवनी क्षेत्र निवासी शुभम सिंह बघेल सहित अन्य चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मारपीट करने वाले शुभम सिंह ने अपनी फेसबुक सहित अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड किया वीडियो हटा दिया है। हालांकि 23 मई को अपलोड वीडियो कई लोगों तक पहुंच गया। घटना स्थल तक पहुंचने में पुलिस को कुछ वक्त लग गया। मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन तीनों और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिन पर गौमांस ले जाने का शक है। इनमें से एक कन्ही वाड़ा और दो सिवनी के हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की हार पर समाधि लेने का ऐलान करने वाले वैराग्य नंदगिरी उर्फ मिर्ची बाबा की तस्वीरों को जल समाधि दी गई। सद्भावना अधिकार मंच के लोग एक नाव में सवार होकर भोपाल के बड़े तालाब में पहुंचे। यहां बाबा की तस्वीरों को पानी में डुबाकर प्रतीकात्मक जल समाधि दिलाई गई। सद्भावना अधिकार मंच ने भोपाल के बड़े ताल में वैराग्य नंदगिरी उर्फ मिर्ची बाबा की तस्वीरों को जल समाधि दी। मंच के संयोजक दुर्गेश केसवानी व संरक्षक महेश शर्मा ने कहा कि मिर्ची बाबा तो दिग्विजय सिंह की हार के बाद से लापता हो गए हैं, इसीलिए उनके चित्रों को प्रतीकात्मक जल समाधि दी गई है। मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताने के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्च से हवन भी कराया था। साथ ही कहा था कि दिग्विजय नहीं जीते तो समाधि ले लूंगा। इस बीच हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्य नंदगिरी उर्फ मिर्ची को निरंजनी अखाड़े ने निष्कासित कर दिया है। उनसे महामंडलेश्वर की पदवी भी छीन ली गई है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने धर्म विरोधी कार्य करने पर मिर्ची बाबा के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, ये कहावत मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर चरितार्थ हुई, जब ट्रेन एक युवक के ऊपर से गुजर गई और युवक सही सलामत बच गया। दरअसल यह युवक ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसल जाने से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप से पटरियों पर गिर गया, तभी ट्रेन चल पड़ी। लेकिन युवक ने समझदारी दिखाते हुए खुद को पटरी से सटे प्लेटफॉर्म से चिपक गया। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और युवक तब तक बिना हिले उसी स्थिति में सोया रहा जब तक ट्रेन पूरी तरह गुजर नहीं गई। इस दौरान लोग उसे समझाइश देते रहे। इस वाक्य का वीडियो वायरल हो गया है। इस पूरे मंजर को प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी देखते रहे, सभी हैरान होकर ये नजारा देखते रहे और साथ ही वे युवक को उसी स्थिति में बने रहने के लिए भी कहते रहे। युवक करीब 1 मिनट तक ऐसी ही स्थिति में पटरी के पास चिपका रहा। जब ट्रेन गुजर गई तब वो उठा। उसे सही सलामत देखकर लोगों ने भी राहत की सांस ली। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर संत हिरदाराम नगर ब्लॉक कांग्रेस समिति ने थाने में ज्ञापन सौंपा और युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। संत हिरदाराम नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक युवक द्वारा राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर थाने में ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्यवाही की मांग की है। समिति का कहना है कि युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव अशोक
अपमानन कार्यकर्ताओं के साथ युवक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर थाने पहुंचे और अशोभनीय टिप्पणी को फोटोकॉपी भी थाना प्रभारी को दी। पार्षद अशोक मारन ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पर उचित कार्यवाही करना चाहिए। पोस्ट डाली गई और पूरे कांग्रेस दल की हम लोग आज आए हैं पीआई साहब से निवेदन किए कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हम लोग यहाँ आए रिपोर्ट डाले। इतनी देर में मैंने पुलिस की जो तत्परता देखी है उसको पकड़ के ले आए हैं। मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ लेकिन भविष्य में ऐसा कृत्य ना हो ये सुनिश्चित करें। एक शिकायत आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरुण श्रीवास्तव जी के द्वारा दिया गया एक युवक के द्वारा एक अश्लील टिप्पणी की गई उस टिप्पणी के संबंध में जो है शिकायत आवेदन द्वारा अजीत नामक जो व्यक्ति है और उससे संबंधित जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी साथ में संलग्न की है और उसमें जो है वैधानिक जो भी कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव 2019 में 76 महिला जनप्रतिनिधि बनकर संसद पहुंची हैं, लेकिन जिस एक महिला सांसद की खूबसूरती की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ये सांसद हैं नवनीत रवि राणा। नवनीत रवि राणा की खूबसूरती की चर्चा हर तरफ हो रही है। नवनीत महाराष्ट्र की अमरावती सीट से सांसद चुनी गई हैं। खास बात यह है कि इस बार इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अमरावती सीट पर शिवसेना को करीब 37,000 वोट से हार का मुंह देखना पड़ा था। नवनीत को 5,10,947 वोट मिले जबकि मौजूदा सांसद शिवसेना प्रत्याशी अब्सुल आनंद राव बिठोवा को 4,73,996 वोट मिले हैं। 2014 में नवनीत एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। इस सीट की खासियत यह है कि इस सीट से पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देव सिंह पाटिल चुनाव लड़ चुकी हैं। खास बात यह है कि नवनीत के पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं। नवनीत की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन्हें सबसे सुंदर सांसद बताया जा रहा है। इस बार संसद में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बाकी महिला सांसद भी नवनीत की खूबसूरती को तवज्जो देती हैं या नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइएगा नहीं, भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ये तो है ना, रिजल्ट क्या है, सुनामी आ गई, ये बता रही हूँ। दूसरी पार्टियों के टिन टप्पर उड़ते नजर आ रहे हैं। किसी का कुर्ता उड़ गया, किसी का पजामा उड़ गया, सब समेटते फिर रहे हैं, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है। और टीवी वाले तो ऐसा गला फाड़े दे रहे हैं जैसे हमारे चैनल पे पहली बार ये और वो, चार लोगों के है ना गले खराब हो गए, बता रही हूँ। हाँ, मेरे पास खबर आई है, ऑपरेशन चल रहा है उनका गले का। मैं तो भैया बड़ा संभल के बोलता हूँ, ये तो चल रहा है। वो बता रही हूँ, ये जातिवाद की राजनीति वगैरह चलने वाली नहीं है। महागठबंधन बहुत मुगलती में था, बता रही हूँ। देखो रिजल्ट क्या आया, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें आ गई भाजपा की, बता रही हूँ। अब तो विकास का मॉडल चलेगा, डेवलपमेंट जो करेगा, जो जनता के काम करेगा वही जीतेगा, बता रहे हूँ। ये तो हवाबाजी नहीं चलने वाली अब। और भैया, और भोपाल में देखो भैया, दिग्विजय सिंह है ना, कल लठ लिए घूम रहे थे, वो तांत्रिक बाबा को ढूंढ रहे थे, बता रहे हूँ। वो आश्रम में पहुंचे तो बाबा के, तो बाबा अंदर से बोल रहे हैं, भैया बच्चा शांत हो जा, ओ मैं साध्वी का श्राप लग जाता है इसके डर के चक्कर में, है ना, सारी तांत्रिक क्रियाएं उल्टी कर बैठा सारी, ये तो चल जाए। ओ भैया मैं बता रही हूँ, अब राजे महाराजों के दिन है ना लद गए, अब है ना जनता का शासन आ गया है। अब जनता है ना जो काम करेगा, विकास करेगा, उनकी खैर खबर लेगा, उन्हीं को जिताएगी। और देखो जो तरह से सिंधिया हार गए वहाँ गुनाह से, उनको हराने वाले उनके सिपा सलाहकार, ऐसा है किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं समझना चाहिए, बता रही हूँ। उनको टिकट नहीं दिया मुकाबले, वो बीजेपी में आ गए, लोग हरा दिया, ये तो चल रहा है, बता दें। और ये को पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो भी भुनभुनाती फिर रही थी इलेक्शन के पहले, बहुत ये इनको पिटाई करवा दी, कुछ कार्यकर्ताओं को मरवा दिए। अब अगर रिजल्ट देख लो, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का शासन आ गया, वहाँ भी सीटें इनकी बढ़ गई हैं। तो ये भैया ये जो ढंग से चलेगा वो जीतेगा, बता रही हूँ। हाँ, और राहुल गांधी को देख लो, अमेठी से हार गए, जो इनके वहाँ के दादा लड़ते थे, इनकी दादी लड़ती थी, और इनकी घरेलू सीट थी। मैं बता रही हूँ, घर को है ना देखना पड़ता है, पुराना हो जाए तो मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब मेंटेनेंस नहीं करोगे, मान सड़कें मन मैंने कुछ किया तो हार हो गई, यही होना है। चूहे बिल्ली दूसरे जानवर आ जाएंगे, मेंटेन नहीं करोगे घर को, तो ये तो चल जाए। और बताओ चुनाव में ये मेरे पास आ गया रोता हुआ लाउड स्पीकर वाला, बोले नेताजी आया मेरे पेमेंट नहीं कर रहे। मेरे क्यों? अब वो कह रहे हैं, बोले तुम्हारे लाउड स्पीकर के चक्कर में मैं हार गया,
मैंने कहा उनसे बोलना है लाउड स्पीकर गालियाँ तो तुमने दी थी या लाउड स्पीकर ने दी थी, ये तो चल गया। तो एक नेताजी भैया कल डॉक्टर के पास पहुंचे, अपनी लंबी सी जीप दिखाई, बोले इसके कारण हार गया भैया, इसको छोटी कर दो, ये तो चल गया। और राहुल गांधी का भैया इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी दे दो भैया, पार्टी को मजबूत करना है तो कोई मैच्योर पर्सन को लेके आओ, जब तक ये भी मैच्योर हो जाएंगे बाद में धीरे धीरे। हाँ, और भैया मैं कह रहा हूँ जो फल का जो पेड़ होता है उसमें फल लग जाते हैं तो झुक जाता है, तो इस बार बम्पर जो मेजोरिटी आई है तो मोदी जी भी थोड़े झुके झुके लग रहे हैं, और बढ़िया अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने गए, आडवाणी जी के पास गए, मुरली मनोहर जोशी के पास गए, ये तो अच्छी खबर है, अच्छे संस्कार होने चाहिए, ये तो अच्छी खबर है। और मैं भी वही आए हैं, आप चलाए अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।